ये मतलब पूरा कंट्रोलर यही है, प्रेशर बनाना पूरी पाइप में इसने बनाना है। दोस्तों, अगर आप मच्छर और मक्खी की समस्या से परेशान हैं तो आज मैं आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाने जा रहा हूँ जो आपको जो है इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। आप चाहे गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, आप कोई फार्मिंग करते हो, ये सेटअप सब जगह लग सकता है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है दोस्तों इंसेक्टो सिस्टम, जो एक अमेरिका की कंपनी है और अब भारत में भी काफ़ी अच्छे से ये जो है किसानों को और देश के लोगों को सुविधा उपलब्ध करवा रही है। तो ये सेटअप पूरा देखेंगे हम। तो दोस्तों, इस फार्म हाउस पे भी जो है ये सेटअप लगा हुआ है और देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर ये काम कर रहा है। और जो बगल में घर है उसमें भी ये सेटअप लगाया गया है। पहले हम आपको ये एक बार सेटअप दिखाते हैं। जैसे कि दोस्तों, ये इसका दिया हुआ है यहाँ पे कंट्रोलर, जैसे इसमें आप इसमें टाइम भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि आप देख रहे हैं, मतलब इसमें आपको घंटे के बाद चलाना है, पर मिनट के बाद चलाना है, सेकंड पे टाइम ऑन टाइम ऑफ, ये सब कुछ दिया गया है यहाँ पर। इसका ये जो दिया गया है, ये दिया गया है रिफिल सिस्टम। जब आपका फुल है तो 100% दिखाएगा, 60%, 40%, तो उस हिसाब से ये रिफ़िल आपको दिखाता है कि जो आपके टैंक में केमिकल या दवाई है वो कितनी रह गई है। यहाँ तो आपको पता ही है मेन कट है, तो उसको सिस्टम टाइमर को अब हम ऑन करते हैं और चला के आपको दिखाते हैं। ये हमने कर दिया ऑन दोस्तों इसको, अब ये चालू हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ चल जाएगा ये। अभी देखना ये लाइन है यहाँ पे, ये देखिएगा ये चल गई, ये चल रहा है इधर आपके सामने। इस तरह से काम करता है, आपके चाहे घर हो, चाहे फार्म हो, चाहे कोई फार्मिंग करते हो, मक्खी मच्छर से अगर आप परेशान हैं तो आपको छुटकारा मिल सकता है। अब देखिए पूरी लाइन चल गई है उधर तक, उधर तक देखिए कितने अच्छे से काम कर रहा है पूरा फॉगिंग सिस्टम, ये उधर तक है सारे में। और पाजी ने इसको अपने घर पे लगवाया हुआ है मक्खी मच्छरों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए। आप इसे अपने फार्म हाउस में भी लगवा सकते हैं, जो अगर आप कोई फार्मिंग करते हो, जो डेयरी फार्मिंग करते हो, पोल्ट्री फार्मिंग करते हो या कोई और भी फार्मिंग, तो ये टेक्नोलॉजी आपके काफ़ी काम आ सकती है। ये देखिएगा ये उसका सेटअप है और एक तरह से ड्रिप सिस्टम पूरा ऐसे जाता है, जगह जगह फॉगिंग होती रहती है, जहाँ भी आपको लगवाना है सब जगह लग जाएगा ये देखिएगा। और कुछ सैंपल भी आपको दिखाते हैं मक्खी का, ये देखिएगा जैसे मक्खी आप देख रहे हैं, ये इस तरह से मक्खी नीचे बैठ जाती है, एक तरह से क्या होता है कुछ भाग जाती है, कुछ मर जाती है। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ है भैया जिन्होंने अपने घर में इसको सेटअप कराया हुआ है और यहाँ पे भी उसका लोगो लगा हुआ है प्रोटेक्ट बाई इंसेक्टो, यानी ये घर इंसेक्टो जो टेक्नोलॉजी है उससे प्रोटेक्ट किया गया है मक्खी और मच्छर से निजात पाने के लिए। भैया एक बार थोड़ा अपने बारे में बताइएगा नाम। मैं गंगा सिंह, मेरा नाम गंगा सिंह है और मैं भगत पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ संत नगर में, अभी आपका 12th क्लास में पढ़ता हूँ। जिला कौन सा है? सिरसा, हरियाणा। हरियाणा, ठीक है। आपने ये जो इंसेक्टो प्रोजेक्ट है टेक्नोलॉजी है, कब लगवाई थी आपने और अभी क्या रिजल्ट मिल रहा है आपको इसका? हमने ये लगवाई थी सर एक वीक हुआ है लगभग हमें लगवाई को, और पूरा घर कवर हुआ है इसमें, ए टू जेड सारी बाउंड्री जो हमारे पीछे फार्म है उसका भी सारा कवर हुआ है। और रिस्पॉन्स अभी ठीक है, रिस्पॉन्स अभी क्योंकि अभी शुरू हुआ है, अब जैसे हम चलता है तो घर के मच्छर मक्खी तो मर जाते हैं, बाहर से आते हैं क्योंकि फसल है साइड में सारा कुछ है, उससे आ जाती हैं मक्खियाँ, वो अभी इतना पता नहीं चला पर लॉन्ग टर्म में पता चल जाएगा। मतलब ये है कि अभी जो 7 दिन में है कि अंदर की मच्छर मक्खियों से निजात है जो अंदर है आपके, भाग भी जाती होगी कुछ इससे, इससे भागती है या मर जाती है? मरती भी है और भागती ज़्यादा है, बाहर आती नहीं। आती नहीं, मतलब भाग जाती है। हाँ जी, ठीक है। तो फिर ये कैसे कैसे चलाते हो आप, दिन में कितनी बार चलाते हो इसको? दिन में 4 घंटे का इसका ऑटोमेटिक है, ऑटो पे चलता है, 4-4 घंटे बाहर चलता है, और मैनुअल भी अभी अगर हमें चलाना हो भी ज़्यादा मक्खी मच्छर आ रहे हैं बाहर से तो हम खुद भी चला सकते हैं उसको मैनुअली। तब ये आपने सिर्फ नीचे 4 बाउंड्री पे लगाया हुआ, ऊपर भी लगवाया हुआ है? इन बाउंड्री पे है नीचे, सिर्फ नीचे 4 दिन, क्योंकि नीचे से पैदा होकर ऊपर जाएगा मच्छर, अगर नीचे पैदा होता है जमीन पे तो उससे ऊपर जाएगा, नीचे से अगर खत्म कर दिया तो ऊपर नहीं जा सकता ना फिर। ठीक है, इसकी आपको कुछ स्मेल वगैरह तो महसूस नहीं देती? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई स्मेल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और इसका जो टैंक है वो कितने लीटर का है, कितनी बार चल जाता होगा महीना दिन? 6 महीने चल जाता है, 6 से 8 महीने चल जाता है एक बार लगा के। 200 लीटर का टैंक है, 200 लीटर। तो दोस्तों, अभी हम आ गए सेटअप पर, भाई थोड़ा इसके बारे में और बताइएगा। ये मतलब पूरा कंट्रोलर यही है, प्रेशर बनाना पूरी पाइप में इसने बनाना है, मेन हिस्सा हम ये कह सकते हैं इसको पूरे सिस्टम का। यहाँ से नोजलें जो आती हैं वो पाइप वाइप सारी यहाँ से निकलती हैं पूरा घर को, यही मतलब मेन यही है। और ये इसका मेन पैनल है, यहाँ से कंट्रोल होगा, ये टाइम अब 3 घंटे 13 मिनट में ये अपने आप चलेगा, ये ऑटो पे अब मैनुअल पे भी कर सकते हैं खुद। ठीक है, और यहाँ से जैसे कितने घंटे बाद खुद हमने सेट करना है वो कर सकते हैं, और यहाँ से ऑन ऑफ करना है वो, इसकी जरूरत नहीं पड़ती वैसे, मेन यही है इतना, मतलब बार बार का झंझट नहीं है। हाँ जी,
और ये अभी कितना फील हुआ है, ये अब हमें हफ्ता वीक हो गया, अब 80% पे आ गया। जैसे चलाएंगे बीप की, यहाँ पे आएगा जब रिफिल सिस्टम, बीप की साउंड बजने लग जाएगी, बीप के साउंड, फिर पता चल जाएगा भी, फिर कॉल कर लेंगे उनको, वो रिफिल कर जाएंगे। रिफिल करने खुद आते हैं। हाँ जी, तो जब आपने सेटअप करवाया तो कंपनी पूरा सेटअप कर गई थी पूरा। सब कुछ लगा के? हाँ हाँ जी, 1-1.5 दिन का उनको वक्त लगा था, पूरा करके गए थे। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें, और अगर आपको ये सिस्टम लगवाना है तो जो नंबर वीडियो और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को जो है बाकी लोगों को भी शेयर करें। धन्यवाद।